लेकिन जो माँ बाप करेगा वो कोई नहीं करेगा, वो कोई भी नहीं करेगा। आप रो रहे हैं क्योंकि मेरे घर में सिर्फ है। आपका नाम? देसराज। आपकी उम्र? 74। 74। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष राज है। उम्र क्या है आपकी? 65 साल है। आपका नाम? सिमरो। सिमरो, क्या उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल। हेलो। हेलो। आपका नाम? नाम शांति देवी। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 60 साल। 60 साल जी। आपका नाम? मदन लाल अरोड़ा। अच्छा, आपसे ये पूछना है आपकी उम्र कितनी है? 64। 64। अच्छा, अपने 64 के तजुर्बे के हिसाब से अगर आपको यंगर जनरेशन को कोई नसीहत करनी हो, कोई सलाह करनी हो, तो आप क्या नसीहत दोगे? नशे से दूर रहो। नशे से दूर हो और वो यंग रहो। और ये मोबाइल फोन है, इसका अच्छी तरह यूज करो, गलत यूज मत करो। अच्छा, पुराना जमाना सही था या नया जमाना? नया जमाना बहुत अच्छा है, इसमें तकनीक आ गई है, इसका फायदा लो। अच्छा, पुराना जमाना सही नहीं था, उसमें बहुत कमियां थी, पुराने जमाने में वो ठीक नहीं था। अच्छा अच्छा, अगर आप अभी हमारे जितने होते, छोटे होते, तो अपनी जिंदगी में क्या चीज बदलते, क्या बदलाव लाते? मैं देश को और आगे ले जाने में सब समाज की मदद करता और लोगों को समझाते हैं कि बुरा काम मत करो, नशे से दूर रहो। नशा सबसे बुरी चीज है, नशे जो है क्राइम की जड़ है। एक्सीडेंट जो होते हैं गाड़ियों के नशे की वजह से हो रहे हैं। एक अच्छी ड्राइविंग करने के बावजूद भी नशा करने से लोग गिर जाते हैं। Okay, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरी कृष्ण। हरी कृष्ण, क्या उम्र है आपकी? 68। अच्छा, अभी अपने 68 ईयर्स के एक्सपीरियंस से, 68 ईयर के तजुर्बे से, अगर अभी आपको हमारी यंगर जनरेशन को कोई नसीहत, कोई सलाह करनी हो, तो आप क्या कहोगे उनसे? हम तो यही बोलते हैं, मेहनत मजदूरी करो, अपना काम करो, बच्चे का पालन पोषण अच्छा करो, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, और ऐब नहीं करना चाहिए, जैसे शराब हो गई और कोई एक्स्ट्रा काम हो गया वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, पुराना ज़माना सही था या नया ज़माना? हमने पुराना भी देखा, पुराने ज़माने में था कि एक दूसरे के साथ प्यार रखना, अब नया ज़माना है एक दूसरे के साथ दुश्मनी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप अपने 74 के तजुर्बे के हिसाब से अपनी यंगर जनरेशन को क्या सलाह देंगे, हमें क्या सलाह देंगे? हम तो यही सलाह देंगे, जो आने वाली जनरेशन है, जो अपना अच्छा काम करे, सपोर्ट अच्छा करे, पढ़ाई अच्छी करे और आगे बढ़े और इंडिया को आगे ले जाए, और क्या है, इंडिया का नाम ऊंचा करे, यही है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, पुराना ज़माना सही था या नया? नहीं नहीं, अभी पुराने वाला रहा नहीं, अभी नया ही है, लेकिन पुराना जो था वो अच्छा था, लेकिन अभी जो आ रहा है इसमें जो पुराने वाले हैं उनको पता नहीं चल रहा है आगे क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो खलबली में, क्योंकि जितना खर्चा पहले था अभी उससे दोगुना हो गया है, वो क्या करेंगे पुराने वाले, अरे बच्चे उनको पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको मतलब है फीस वगैरह पूरी नहीं हो रही है, पुराने आदमी क्या करेंगे, अभी नए वाले हैं, नए वाले ऊंचा करें नाम भगवान उसका, भारत का, फिर ही अच्छा लगता, और क्या है। अच्छा, आप अगर हमारे जितने होते, मतलब मेरे जितने होते, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाते, क्या बदलते अपनी ज़िंदगी का, कौन सा हिस्सा बदलते, क्या चीज़ बदलते? जो हमारा काम था मेहनत मजदूरी करना, जा अपने पढ़ाई करके और अच्छी लाइन में जाना, कोई डॉक्टर बनते जा, सैनिक बनते जा, कुछ बनते तो आगे ले जाते इंडिया को, जितने हमारी हिम्मत पड़ती थी इतने ले जाते, अभी क्या कर सकते हम, अभी तो जा रहे हैं ना, बूढ़े आदमी हैं, चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, और क्या। शुक्रिया। अच्छा, आप अपने इतने 65 ईयर्स ऑफ एज में अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो हमें यंग जनरेशन को, क्या सलाह दोगे आप? यही सलाह देंगे कि सच बोलो और सच्चाई का साथ दो और झूठ मत बोलो, फ्रेब नहीं करो किसी से, लेकिन के ये अपने आप को शुद्ध रखो और अपने आप को अच्छा रखो। आपके हिसाब से क्या सही था, पुराना ज़माना या नया? हमारा टाइम से ये था कि जो पुराना ज़माना था वो हमारे लिए सही था,
अब बच्चों के लिए खराब है तो उसकी मर्जी है, वो जो उन्होंने निकाला है इस चीज़ को उन्होंने कुछ सोच कर निकाला होगा, लेकिन हमारी सोच ये अलग है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो आगे शुरुआत आ रही है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अभी बेकार बैठे हैं। अच्छा, अगर आप अभी हमारे जितने होते अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव लाते? मैं टेक्निकल आदमी हूँ और 8 साल मैंने 26 साल नौकरी की है, और उसके बाद मैं दरंग की बीमारी हो गई, दरंग का शिकायत हो गई मुझे, तो मैं प्राइवेट था, छोड़ दी मैंने। मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छे काम करो जिसमें फ़ायदा हो। अगर आप बुरे काम करके फ़ायदा ढूंढोगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, वो ऊपर वाला भगवान देखता है। किस लिए मैं यही कहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, सुलझ जाओ और अच्छे रहो। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये आंटी आपसे एक बात कहूँ कि अगर अपने 60 साल के उम्र के हिसाब से, उम्र के तजुर्बे के हिसाब से हमें नसीहत क्या करोगे, क्या आप हमें सलाह दोगे? सलाह मैं चंगी को दूंगी, माड़ी नहीं दूंगी। हाँ। तो क्या बोलोगे अपने 60 साल के उम्र के तजुर्बे के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि दादी मुझे बताना कि अपने तजुर्बे के हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा और क्या सलाह करोगे मुझे? काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा बर्ताव करो, सब कुछ अच्छा करो बस। अच्छा, पुराना ज़माना अच्छा था या नया ज़माना? नवा ज़माना नहीं अच्छा, पुराना अच्छा है। क्यों? हम पुराने ज़माने के या नवे के नहीं है। पुराना ज़माना क्यों अच्छा लगता है आपको? वो अच्छा है, राशन सस्ता है, हर एक चीज़ सस्ती है, और महंगाई है, हमारे को अच्छा नहीं लगता। जो हमारे हम जब छोटे बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने 60 साल के तजुर्बे के हिसाब से आप उनको क्या नसीहत करोगे? बहुत अच्छा करेंगे, काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे। अच्छा है, इस ज़माने में महंगाई है बहुत, इस ज़माने में भूखे हैं, भूखे काम कर रहे हैं, 60 साल के आदमी भूख काम कर रहे हैं, फड़ी लगाते हैं, क्या करें, किधर जाएं? तो क्या नसीहत करोगे उनको पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ो लिखो, हम तो कह रहे हैं पढ़ो लिखो, काम करो, कार करो। अच्छा, आप कैसे बदो? हाँ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि पुराना दौर अच्छा था या नया दौर? नहीं, नहीं, पुराना अच्छा था। क्यों? पुराना अच्छा था, कैसे, महंगाई थोड़ी थी। हाँ? महंगाई थोड़ी थी, काम अच्छा था, अच्छी दुनिया चलती थी, अच्छा सारा कुछ था। ये हाल खराब है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा। अभी आप 60 साल की है, ठीक है, अगर 20 साल की मतलब हमारे एज के अगर आप होते तो आप क्या चीज़, क्या बदलाव लाते अपनी ज़िंदगी में? काम कार करते ही लगते हैं, क्या करते? आपका नाम? विपिंदर कुमार। विपिंदर कुमार, एज? 45। आपसे एक सवाल करना है कि अगर आप अपने 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आप हमें यंगर जनरेशन को क्या एडवाइस करोगे? अच्छा ही समझाते और बताते हैं उनको। क्या एडवाइस करोगे? जैसे सोसाइटी इधर की ख़राब है, ऐसे उनको बोलेंगे कुछ ना कुछ आगे बढ़ो, पढ़ाई वगैरह। पुराना ज़माना अच्छा था या नया ज़माना? पुराना ज़माना अच्छा था। किस हिसाब से? जो था पहले खाने पीने का वो था, वो तरीका ही अलग था। अब तो क्या सिर्फ केमिकल वगैरह ही है, मसाले तो पहले अच्छे जलाते थे, आग जलाते थे तो खाना बनता था, उसका इतना स्वाद होता था कहने की बात नहीं। अब हीटर आया या गैस है, उससे बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है। तीसरा सवाल है कि अगर आप हमारे जितने होते अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाते, क्या चीज़ आप नहीं करते अगर आप अभी हमारे एज के होते? जैसे अभी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा है किसी को भी समझाते हुए अच्छे काम करो, बुरे के रास्ते पे नहीं चलो। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हेलो। आपका नाम? जीत राम। अच्छा जीत राम, क्या एज आपकी? 52। 52 ईयर्स। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगी, आपको अपनी 52 ईयर्स के एक्सपीरियंस से अगर आपको यंगर जनरेशन को कुछ नसीहत करनी हो, कोई भी एडवाइस करनी हो, तो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से क्या नसीहत करोगे? मैं नसीहत यही करूंगा कि सबसे पहले अपने माँ बाप को अहमियत दें, बस ये नसीहत देता हूँ कि जो वो कहते हैं उनके कहने पे चलें, उनके कहने पे चलें, और उनके अलावा आगे पीछे का उधर उधर का मत भटकें, कहीं भी मत भटकें, किसी की बातों में मत आएँ, वो ऐसा वैसा काम ना करें, कोई गलत मतलब सोसाइटी के आजकल के बच्चे देखते हैं गलत सोसाइटी के तरफ भागते हैं, माँ बाप को अपने ध्यान नहीं देते
वो गलत सोसाइटी की तरफ भागते हैं उधर उधर की तरफ, लेकिन जो माँ बाप करेगा वो कोई नहीं करेगा, वो कोई भी नहीं करेगा। अब रो रहे हैं, अब रोइए मत, अब बस अंकल प्लीज, मैंने आपको इमोशनल किया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे घर में ऐसे मत पूछो। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, आपको क्या लगता है कि पुराना जमाना सही था या नया जमाना? पुराना सही था। किस हिसाब से? क्योंकि वो अपने माँ बाप की उस पे चलते थे, मतलब बात मानते थे, तो आजकल का जमाना ऐसा है कि नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, वो अपनी करते हैं, जो करना है बस खुद खुद करना है, एक मतलब बिल्कुल ही उसको अहमियत नहीं देते अपने माँ बाप को, वो जो कुछ करते हैं तो मैं ही जो भी हूँ मैं ही हूँ, बस अपनी भागते अपनी उसमें। अगर अभी इस टाइम पे आप हमारे एज के होते, हमारे जितने होते, पर दिमाग आपका यही 52 इयर्स 55 इयर्स का होता, तो आप क्या चेंज लाते, क्या बदलाव लाते इस टाइम पे अपने आप में? जी मैं अच्छे काम करता, अच्छे राय देता हर एक को, मतलब अच्छा काम करने के लिए किसी को भी, मतलब सोशल काम करने के लिए, वैसे भी मैं सोशल काम करता हूँ, सिविल डिफेंस का हूँ, सिविल डिफेंस में काम करता हूँ मैं, जो भी राय किसी को देता तो अच्छी राय देता, कोई मतलब गलत सोसाइटी की तरफ ना बैठे, गलत काम ना करे, गलत मतलब ऐसे। अपने अंदर क्या एक चीज़ से बदलाव लाते जो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से, अगर अभी आप हमारे जितने होते? खुद के अंदर कि मुझे सबसे पहले ये ऑटो रिक्शा नहीं चलाना पड़ता, ऑटो रिक्शा ना चलाना ये मैं मजबूरी के कारण चला रहा हूँ, मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं हूँ परमानेंट, लेकिन ये मुझे मजबूरी थी, मैं बीमार हो गया था कोई 2009 से मुझे ये काम करना पड़ा, मैं 12वीं पढ़ा हूँ, बेटी मेरी M.Com कर दी है, लड़का मेरा CA कर रहा है, वो उसने भी मतलब B.Com कर दी है, तो छोटी लड़की है 1st ईयर में है, ये मैं मजबूरी के कारण चला रहा हूँ।